कुछ ठंडा बनाने का मन कर रहा है। How about a fruity smoothie? Good. तो चलिए बनाते हैं real grape and pineapple smoothie. सबसे पहले हम लेंगे थोड़े से पाइनएप्पल के स्लाइसेस। इसे मैंने पहले से ही छील के साफ कर लिया है। पाइनएप्पल को छीलना थोड़ा सा कंबसम होता है, तो जब भी आप पाइनएप्पल यूज करें उसे आप पहले से ही अच्छी तरह से छील लीजिए, ताकि उसके जो कांटे हैं, उसका जो छिलका है वो निकल जाए। एंड इसे इस तरह से रेडी कर लेते हैं। ये हमने पाइनएप्पल डाल दिए इसमें। अब इस पे हम डालेंगे बच्चों का फेवरेट एंड एक्चुअली मेरा भी वनीला आइसक्रीम। मुझे लगता है जिस घर में बच्चे हैं वो तो घर ऐसा हो ही नहीं सकता कि जहां वनीला आइसक्रीम ना हो। गॉड, सब बच्चों को वनीला आइसक्रीम बहुत ही पसंद है, और आप उनके स्मूदीज में उन्हें जस्ट ऐसे भी कभी कभी दे सकते हैं, इतना अनहेल्दी भी नहीं होता है। ओके, ये डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, बोलिए बोलिए। ब्लेंड ब्लेंड ब्लेंड। अब ये अगर आपको ड्राई लग रहा है तो आप क्या करेंगे, इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा दूध। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा दूध डाल लीजिए जस्ट कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए। ओके, अब ये परफेक्ट है, इसे साइड में रखते हैं। अब हम लेंगे थोड़े से ग्रेप्स। चॉप कर लेते हैं, स्लाइस में काट लीजिए। ओके, इस ग्रेप डेलिकेसी का लुत्फ उठाने के लिए मैं एक चीज हमेशा अपने फ्रिज में रखती हूँ, लेकर आती हूँ अभी। वेट, तो मैं इस जूस को यूज करती हूँ। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम लेंगे सबसे पहले एक प्यारा सा ग्लास। उसमें हम डालेंगे जो हमने पाइनएप्पल को पहले स्मूदी बनाया है वेनिला आइसक्रीम के साथ और थोड़े से दूध के साथ। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड पाइनएप्पल्स, इसके ऊपर इस तरह से लगा देते हैं। एंड नाउ फॉर द मैजिकल पोर्शन, लेट्स पुट सम रियल ग्रेप जूस। इसे आप डायरेक्टली इस पे थोड़ा सा डाल दीजिए, देखिए एक प्यारा सा कलर भी आएगा एंड जो आपको कलर वेरिएशन है वो भी मिलेगा। ये हो गया, इसके ऊपर हम डाल देते हैं हमारे ग्रेप्स। इस स्मूदी को आप चिल सर्व कर सकते हैं या फिर नॉर्मल, इसका टेस्ट वही रहेगा, यानी कि डिलिशियस। तो चलिए एक और नजर डाल लीजिए इसकी रेसिपी पर। लेट्स टेक अ क्विक रीकैप। रियल ग्रेप एंड पाइनएप्पल स्मूदी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सी जार में आधा डाइस पाइनएप्पल और 3 स्कूप्स वेनिला आइसक्रीम डालकर ब्लेंड करें, और मिक्सचर थिक होने पर आधा कप दूध डालकर पतला कर लें। फिर एक ग्लास में पाइनएप्पल स्मूदी और एक बड़ा चम्मच चॉप्ड पाइनएप्पल डालें। अब ऊपर से आधा कप रियल ग्रेप जूस और एक बड़ा चम्मच स्लाइस ग्रेप्स डालकर सर्व करें।